मैंने कहा ना, वो सब मैंने नहीं किया। अवश्य महादेव के दिए इस बेलपत्र की शक्ति थी। कीजिए कीजिए माता, एक बार पुनः प्रयत्न कीजिए, कीजिए ना। मैं समस्या का हल नहीं हूं, हल वो महादेवी योद्धा हैं, जिन्हें मैंने अपने स्वप्न में देखा था। आपका स्वप्न मिथ्या नहीं था देवी पार्वती? नरसिंह देवी, मुझे उस हुंकार ने जागृत किया है जिसने धूम्रलोचन का नाश कर दिया। आप समझ में आए कि महादेव ने ये बिल्व पत्र क्यों दिया? इसी की शक्ति से महायोद्धा देवी जागृत हुई है। अवश्य यही है वो महायोद्धा। अब इस युद्ध में आप ही हमारा नेतृत्व कीजिए देवी। स्वप्न मिथ्या नहीं था, नरसिंह की देवी ही वो योद्धा है। ये मैंने क्या किया? एक स्वप्न के आधार पर देवों को मृत्यु के मुख में भेज दिया। अपराध नहीं, पाप हुआ है मुझसे। देवी पार्वती, क्या करें चंड,
देवताओं का वध करने में आनंद नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अब लक्ष्य देव नहीं देव पत्नियां होंगी, क्योंकि युद्ध के पश्चात ये हमारा मनोरंजन करेंगी। गुरु, सबसे पहले उस नारायण की पत्नी को लेकर आओ जो हमारा परम शत्रु है। लगे कि कुछ भी तुम्हारे वश में ना हो तब इस बिल्व पत्र को खोल लेना। समय आ गया है महादेव, मुझे आपकी आवश्यकता है। महादेव इस सुगंध से क्या सहायता करना चाहते हैं मेरी? स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती? अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करती? इस समस्या का समाधान स्वयं तुम्हें ढूंढना होगा। तुम शिव की पत्नी हो, शंकर का अर्धांग हो। कौन जाने, हो सकता है वो पार्वती के बहुत निकट हो। नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। अंत ही आरंभ है। स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती? नहीं, रक्षा स्वयं नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। नारी यदि संकट आता है तो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती? लक्ष्मी का हरण करो। आरंभ में
काली।